तारीख 27 नवंबर, वक्त सुबह के 10 बजे, इलाका बादशाहपुर। यहां पर पुलिस को कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि 1.5 साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया है। मासूम के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने बच्चे के दादा की शिकायत पर आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया और तभी महिला के साथ दो युवक संदिग्ध हालात में बच्चे को ले जाते देखे गए, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिरों के जाल को सतर्क कर महज कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद से गुरुग्राम के बसई इलाके से बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी क्राइम की माने तो आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल कल यानी 27 नवंबर को 1.5 साल के बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद मासूम का दादा उसे बादशाहपुर थाना क्षेत्र इलाके में झाड़ा लगवाने के लिए लेकर गया था और जिस घर में झाड़ा लगवाने के लिए मासूम को लाया गया था तभी वहां पहले से घात लगाए 2 युवकों और उनके साथ एक महिला ने 1.5 साल के मासूम को वहां से किडनैप कर मौके से फरार हो गए। पुलिस की माने तो तीनों आरोपी, जिसमें राजकुमार सोनू मेवात के जबकि सीमा जो कि भिवानी एनक्लेव गुरुग्राम की रहने वाली है, बसई इलाके के भवानी एनक्लेव से गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। डीसीपी क्राइम की माने तो तीनों गिरफ्तार लोगों से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है कि आखिर मासूम के अपहरण के पीछे तीनों की क्या मंशा थी, कहीं तीनों किसी बच्चा चोर रैकेट से तो नहीं जुड़े। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस तीनों की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। सर क्या मामला है ये? ये 27 तारीख को करीब 10 बजे एक राजकुमार पुत्र भूरे और सोनू पुत्र शमशेर सिंह निवासी रानिया, ये दोनों एक सुरताराम जो हैं वो पीलिए का झाड़ा लगाते हैं उनके पास पहुँचे, जिनका लड़के का बेटा जिसको पोत्र आप कह सकते हैं, जिसकी उम्र 1 साल 3 महीने के करीब थी, उसको इन्होंने गोदी उठा लिया और उसको वहाँ से लेके चंपत हो गए। सुरताराम जी के स्टेटमेंट पे ये FIR 529 बादशाहपुर थाने में दर्ज हुई और उसी के बाद से बादशाहपुर पुलिस स्टेशन और उसके साथ 39 क्राइम यूनिट दोनों की टीम बना के इस काम पे लगाया गया था, जिन्होंने टाइमली बच्चे को रिकवर किया और एक लेडी और जिसमें राजकुमार पुत्र भूरे व सोनू पुत्र शेर सिंह निवासी रानिया थाना तावड़ू जिला मेवात को राउंडअप किया है, जिसकी 25 साल के करीब उम्र है। ये पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इसका बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल कहा जा सकता है, क्योंकि पहले भी जेल में रह के आया है मोटरसाइकिल चोरी और इसी तरीके की मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में। जहाँ तक अन्य जो बच्चे हैं इस तरीके के मिसिंग हैं उनके बारे में अभी अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद और ज़्यादा गहराई से पूछताछ की जाएगी। यदि और कोई मामला इस पर आता है जैसे कि उम्मीद है तो ट्रेस आउट किया जाएगा। कहाँ से और कब साहब जी? सर इनको कहां से और कब अरेस्ट किया गया? इनको 28/11 आज तीनों आरोपियों को बसई गुरुग्राम से काबू किया गया। सर दूसरा ये कि जब इन्होंने किडनैपिंग की इसकी प्री प्लान था पूरा या अचानक से इन्होंने ये स्थिति बनी कि बच्चा निकल गया? अभी तक इन्होंने जो बातें बनावटी बताई हैं उनसे जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चा ये लेके गए हैं और बच्चा बरामद हुआ है इनसे, उन बातों को छोड़ के जो हम अभी रिमांड ले रहे हैं वो सच्चाई जानने के लिए ले रहे हैं। क्या सर लगता है कि और भी इन्वॉल्वमेंट किसी? उसी बात के लिए इस बच्चे का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ही कि ये लेके गए थे, जैसा कि उसके बच्चे के दादा ने बताया और बच्चा बरामद हुआ इनसे,
इसके अलावा जो भी वारदातें की हैं उसके लिए हम अभी कोर्ट में पेश करके रिमांड ले रहे हैं और गहनता से पूछताछ करेंगे। पैसे वगैरह मांगे थे जी? पैसे वगैरह मांगे नहीं, फिरौती करेंगे जी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं आया है, पूछताछ जारी है जी। क्योंकि सुरताराम जी जो इसके कंप्लेनेंट हैं उन्होंने अभी तक इस बात के बारे में कोई खुलासा नहीं किया कि वो पैसा मांगा गया। अब वो उसके बारे में पता कर रहे हैं। बनारसी बातें क्या बताइए? वो तो सभी बताते हैं जी, हमारे बच्चा नहीं था, हम बच्चा लेके इसलिए गए थे। क्यों नहीं भाई, तुमने अडॉप्ट क्यों नहीं किया? ये लेडी हस्बैंड वाइफ है या? यस यस यस, इनकी तीनों की आपस की सलाह है, इसी के तहत इन्होंने ये कहा। एक सर इसमें हस्बैंड वाइफ, इसमें दूसरा कौन? इसमें जो ये जो मैंने नाम बताया था आपको, मेवात के रहने वाले हैं, उनका कई मोटरसाइकिल चोरी में क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसके अलावा किस चीज़ में, उसकी छानबीन जारी है। सर एक तो हस्बैंड वाइफ है, दूसरा कौन है? हस्बैंड वाइफ भी नहीं है ये। अच्छा यस, ये इसका रियल हस्बैंड नहीं है। अच्छा ये गिरोह है? हाँ यस। अभी हो सकता है ये बच्चा चोरी में शुरुआती तौर हो इनका, वो और करने होंगे? नहीं, और किए होंगे तो भी, और शुरुआती है तो भी, अभी पूछताछ में आगे के जो करेंगे उससे पता लगेगा। लिविंग पार्टनर है सर हस्बैंड वाइफ? अभी तक तो यही आया।